हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी जो है दीपावली आने वाली है, 2-3 दिन ही बचे हैं। तो यहाँ पे मेरे घर की पूरी सफाई हो गई है और मेरे घर में ही है स्टूडियो, तो ये बाहर है। और यहाँ पे मैं जो है सफाई कर रही हूँ आज। वैसे फर्नीचर बना हुआ है पर फिर भी सफाई जो है हमें करनी होती है, तो ज़्यादा इसमें नहीं है, डस्ट थोड़ी बहुत है। तो वो मैं सूखा और गीला कपड़ा लेके सब पहुँच के सब वापस जो है जगह पे रख दूँगी सामान। और यहाँ ये मैं कर रही हूँ सफाई। और यहाँ पे मैं इनको बुला दिया है कि जो भी चीज़ चाहिए वो रख देते हैं, क्योंकि दुकान का काम है तो मुझे मालूम नहीं है कि इसमें क्या चीज़ बाहर फेंकनी है और क्या रखनी है। तो यहाँ पे ये सब देख रहे हैं कि क्या चीज़ बाहर फेंकनी है। और मैं जो है स्टूडियो में सफाई का काम कर लेती हूँ। तो ऐसे जो है पूरी सफाई वैसे तो हो गई है घर की। अभी जो दुकान है इसकी मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और ये देख रहे हैं जो चीज़ बाहर फेंकनी है वो सब देख रहे हैं। तो स्टूडियो की सफाई जो है मेरी हो गई है। और अभी मैं स्नान करने जा रही हूँ। और स्नान करने के बाद मैं यहाँ पे दीवार बना रही हूँ। थोड़ा सा जो कलर बच गया था तो उस कलर से मैं बना रही हूँ ये दीवार। और ये जो देख रहे हैं ये रंगोली के हैं, इनसे मैं रंगोली बनाती हूँ, वही डिज़ाइन है। तो ऐसे मैं फ्लावर की डिज़ाइन बना रही हूँ। और येलो कलर जो था मेरे पास बचा हुआ था, तो ये देखिए यहाँ जितनी दीवार बची है वो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। और इस तरह से सब डिज़ाइन जो हैं बनी है, तो बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन बनी है। हमें क्या करना है, कोई भी आप डिज़ाइन का ले सकते हैं। और जो हम कलर करते हैं थोड़ा सा कलर रखना है हमें ब्रश पे, तो कम कलर होता है तो डिज़ाइन अच्छी बनती है, नहीं तो डिज़ाइन बनती नहीं है। तो मैंने जैसे बनाई है वैसे आप भी आराम से घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो तुलसी जी हैं उनको भी मैंने यहाँ पे सजा के रख दिया है, तो ये भी भगवान होते हैं। तो यहाँ भी जो है हर कोना दिवाली पे कहते हैं कि साफ़ होना चाहिए, तो बस यहाँ पे मैंने ये दीवार कर दी है। और अभी मैं पूरी छत जो है पानी से धो दूँगी, पूरा जो क्लीन है ऊपर अभी बचा है छत ही। स्टूडियो मैंने साफ़ कर दिया है। और स्टूडियो साफ़ करने के बाद मैंने स्नान करके ये काम कर दिया है, तो अभी पानी भी पिला देती हूँ तुलसी जी को। और अभी पूरी छत की जो है मैं साफ़ सफाई कर दूँगी। और ऐसे दिवाली पे हर कोना साफ़ होना चाहिए। तो अभी देखिए मेरे जो है जहाँ मैं खाना पकाती हूँ और जहाँ हमारे तुलसी जी रखे वहाँ मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी है। यहाँ से आंगन सूख भी गया है, तो यहाँ देखिए पूरा जो है छत मैंने साफ़ कर दिया है, कहीं भी डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। पानी से अच्छे से साफ पानी से धो दिया है। और ये देखिए अभी दिवाली पे इस तरह से हमारे छत के ऊपर भी कोई भी टूटी फूटी चीज़ हो तो हमें फेंक देनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ मेरी पूरी छत जो है मैंने
पानी से धो दिए हैं और अभी सूख भी गई हैं। तो ये सब काम करने के बाद अभी मेरा खाने का टाइम हो गया है, तो अभी मैं खाना जो है वो बना दूंगी और फिर एक दो DIY बना रही हूँ वो मैं आपके साथ करूँगी शेयर। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे और दाल चावल बनाए हैं और रोटी बनाई है। तो यहाँ पे मैं अभी खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद जो है एक दो DIY बनाऊँगी। दिवाली पे हमें अपने घर के कितने भी साज सजावट करें, काम जो है ख़त्म होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। अगर हम काम करें तो बहुत ज़्यादा रहता है, नहीं करें तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि बोलते हैं कि अभी हमारे तो कुछ काम नहीं है, तो कोई भी काम नहीं है। अगर आप चाहो तो 1000 काम जो हैं घर में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी मैं खाना पकाती हूँ और एक दो टिफ़िन है, तो इनके जो कोरे हैं वो ख़राब हो गई हैं, तो मैं इनको डेकोरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिपका रही हूँ और मेरे जो लेस रखी थी मेरे पास, मैंने मार्केट से जो है कुछ भी नहीं लाया है, मेरे पास ये सब कपड़े और लेस रखी थी, तो यहाँ पे मैं वो लगा के बना रही हूँ। और दिवाली के बाद इनको निकाल के भी आप रख सकते हो, ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। और इनको मैंने ना एक हैंडीक्राफ्ट में देखा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे थे, इसी तरह से बने हुए थे, थोड़ा बहुत अलग होंगे पर इस तरह से। फिर मेरे भी जो हैं मैंने भी बना दिए हैं, तो ऐसे आप सबको अगर पसंद हो तो आप सब भी जो हैं बना सकते हो। ऐसे मैंने मेजरमेंट लिया है, बस सुई धागे लिए हैं और इनको इनके नाप से यहाँ से सील दिया है और ये निकल भी जाता है। तो नीचे की साइड जो है मैंने थोड़ा सा कपड़ा चिपका दिया है, ज़्यादा नहीं है, तो ये अच्छे से जो है बन गया है। और ये देखिए अभी बहुत सुंदर जो है बन गया है, बहुत अच्छा लगता है। दिवाली पे हमें बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के, कोई साज सजावट की अगर आपको शौक़ है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और मुझे बहुत शौक़ है घर की साज सजावट के सामान बनाना, कोई भी DIY बनाना घर में, तो मैं बनाती हूँ तो आपके साथ भी करती हूँ शेयर। तो देखिए ये मैंने किचन में जो है रख दिए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। इनको मैंने वेस्ट कपड़ों से बनाया है और जो मेरे पास पड़ी थी लेस उनसे बनाए हैं। बहुत ही अच्छी जो है आपके किचन दिवाली के टाइम इस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं आप। इन में स्टील जो है, स्टील के डब्बे सबके पास होते हैं, इनमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं किए हैं। कपड़े जो हैं वो भी हर लेडीज़ के पास मिल ही जाते हैं छोटे बड़े, तो कोई भी कपड़े आप ऐसे डेकोरेट कीजिए और बहुत सुंदर लगते हैं, आपके किचन में चार चांद लग जाएंगे, बहुत सुंदर लगते हैं। और मार्केट में ऐसे बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो इतने ज़्यादा पैसे हम खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो घर पे ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को, बहनों को, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।